माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एमपी बोर्ड रिजल्ट के साथ ही 10वीं 12वीं टॉपर लिस्ट और पास परसेंटेज भी जारी कर दिए हैं। 12th में 64.4% बच्चे पास हुए, जबकि हाईस्कूल में 58% बच्चे पास हुए हैं। एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा में मंडला की अनुष्का अग्रवाल ने 495 अंकों के साथ पूरे राज्य में टॉप किया है। वहीं 12th में जयंत यादव ने टॉप किया है। इस साल 16 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 10th और 12th बोर्ड परीक्षा में पंजीकरण कराया था। एमपी बोर्ड 2024 में 10th परीक्षा का पासिंग प्रतिशत 58.10 है। वहीं 12th परीक्षा में 64.49% स्टूडेंट्स पास और 35.51% फेल हुए हैं। इस साल 10th का पासिंग परसेंटेज पिछले साल की रिजल्ट की तुलना में खराब रहा है। जो स्टूडेंट्स परीक्षा में फेल हुए हैं उनके पास सप्लीमेंट्री एग्जाम में पासिंग मार्क्स हासिल कर इसी एकेडमिक सेशन में आगे की क्लास में प्रमोट होने का मौका है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10th सप्लीमेंट्री एग्जाम में करीब 1,00,000 छात्र हिस्सा लेंगे। अब आपको बता देते हैं कि सप्लीमेंट्री एग्जाम्स कैसे होंगे और कब होंगे। एमपी बोर्ड ने 2024 10th और 12th परीक्षा का आयोजन 5 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित कराया था। परीक्षा के आयोजन के लिए प्रदेश भर में कुल 7,501 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इन परीक्षाओं के नतीजे 24 अप्रैल को शाम 4 बजे जारी हो गए हैं। जो स्टूडेंट्स अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है वो रीचेकिंग प्रोसेस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 का भी आयोजन कराया जाएगा। इस परीक्षा के जरिए छात्र अपने स्कोर को सुधार सकते हैं और फेल हुए सब्जेक्ट्स में पास हो सकते हैं। वहीं 10th और 12th क्लास में पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स चाहिए होते हैं। जो छात्र बोर्ड परीक्षा में पासिंग मार्क्स नहीं हासिल कर पाए हैं वो छात्र सप्लीमेंट्री परीक्षा या कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10th सप्लीमेंट्री परीक्षा 10 जून से शुरू होगी। वहीं 12वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन 9 जून को होगा। इस साल करीब 17,00,000 स्टूडेंट्स ने एमपी बोर्ड परीक्षा दी थी। एमपी बोर्ड परीक्षा फरवरी मार्च 2024 में हुई थी। उसके बाद से स्टूडेंट्स एमपी बोर्ड रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस साल लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए एमपी बोर्ड रिजल्ट 1 महीने पहले ही जारी किए गए हैं। पिछले साल की बात करें तो साल 2023 में एमपी बोर्ड परीक्षा परिणाम मई के आखिरी हफ्ते में जारी किया गया था। एमपी बोर्ड की ओर से बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 20 अप्रैल तक किया गया था। उसके बाद 10 अप्रैल 2024 तक सभी स्टूडेंट्स की कॉपियों का करेक्शन किया गया। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।